Hello and good morning everyone. I welcome you all at Worst News Analysis. Today is 20 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel at Worst News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निज्जर्स किलिंग इन कैनेडा. अब आप सभी को पता है और आप सभी कल से इसको यहाँ पर सुन रहे होंगे न्यूज में कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो साहब, उन्होंने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि जो खालिस्तानी सेपरेट लीडर हैं निज्जर, उनकी उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ का जो मेन रीजन है, मतलब कि उनके पीछे ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने ये सब किया है. क्यों किया है इंडिया ने, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप देखेंगे. तो देखिए, ट्रूडो एलिगेट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इन द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर. न्यू दिल्ली सेज सच अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन सीक्स टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम टेररिस्ट प्रोवाइडर शेल्टर इन कनाडा. तो देखिए, यहां पर कनाडा ने कहा कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के लीडर हैं उनकी किलिंग में किसका हाथ है, इंडिया का हाथ है, इंडिया का यहां पर इन्वॉल्वमेंट है. उसी के चलते यहां पर न्यू दिल्ली ने ये कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे एलिगेशंस लगाकर जो एक टेररिज्म है उसको यहां पर एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, कहां, कनाडा में. अभी टेररिस्ट ग्रुप कहां से आ जाता है, ये सारी चीजें क्या है, पहले आप कनाडा की लोकेशन देखिए. लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये है आपका यूएसए, ठीक है, ये मैक्सिको है और ये ऊपर आपको यहां पर कनाडा दिखता है. ओके, सो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका. ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कनाडा हो जाता है. अब हम बात करते हैं इंडिया की. यहां पर ये है आपका इंडिया. इंडिया में एक स्टेट है, उसका नाम है आपका पंजाब, जहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 58% वहां पर आपको सिख देखने को मिलते हैं और 39-40% वहां पे हिंदूज हैं. इसी के चलते पंजाब स्टेट में 1980s में और 1990s में एक मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट. वहां पे खालिस्तानी लोग रहते हैं और वो डिमांड करते हैं कि हमें खालिस्तान एक अलग से क्या चाहिए, आप कह सकते हैं कि उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है, सेशनिस्ट की यहाँ पे डिमांड होती है. कब होता है आपका ये, 1980s में और 1990s में. ये बहुत ही वॉलेंट आपका मूवमेंट होता है जिसमें कई सारे लोगों की जान जाती है. इसी के चलते अभी वहां पर ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है, इनका जो लीडर है निज्जर साहब, उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है और इसी के चलते कनाडा यहाँ पर क्या कर रहा है, एलिगेशन लगा रहा है इंडिया के ऊपर कि उनकी किलिंग में क्या है, कनाडा के यहाँ पर, मतलब कि सॉरी, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट है. अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए कनाडा में आप देखेंगे बहुत सारा जो परसेंटेज है, एकदम मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो है वहां पर लोग रहते हैं वो कौन है, खालिस्तानी लोग रहते हैं. तो उनका जो वोट बैंक है, आप कह सकते हैं वोट के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा उनका हाथ होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है इनका. अब आप सभी को पता, कई दिनों से आप देख रहे हैं, इवन आप एडिटोरियल सेक्शन में भी मूव करेंगे वहां पर भी एक आर्टिकल है जिसके बारे में डिस्कस कर रहा है. यहाँ पर आप देखेंगे कि इवन आपके इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या दिए हैं, एविडेंसेस भी दिए हैं कि कनाडा में क्या हो रहे हैं, आपके एंटी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, है ना, क्या हो रहा है, आपके एंटी इंडिया और एंटी सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पर चलाए जा रहे हैं. इवन न्यू दिल्ली ने बहुत कई बार ये भी कहा है कि आप इन सारी चीजों को रोकिए, इन पर कोई एक्शन लीजिए जो ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं, बट यहाँ पर कोई भी एक्शन कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा नहीं लिया गया है. तो आप देखिए यहाँ पर, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया द पार्टनर विद कनाडा इन द फाइव आई इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट हैज एक्सप्रेस डीप कंसर्न्स ओवर द इशू. The External Affairs Minister has also accused Canadian diplomats of anti-India activities, indicating that more diplomats may be under scrutiny. Even अब जैसे कि वहां पर क्या हुआ कि कनाडा में जो हमारे इंडियन हाई डिप्लोमेट्स थे उनको वहां से रिमूव कर दिया गया. तो इन द एक्शन यहां पर इंडिया से भी, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने जो आपके कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको स्क्रूटनी में रखा गया है. इवन आप देखेंगे कि कई बार कनाडा में क्या हुआ, जो कैनेडियन सोवरेनिटी की बात करते हैं, है ना, उसको इन्वोक किया जा रहा है अदर एरिया में और उन्हें कन्फ्रंटेशन करने की कोई भी बात नहीं की जा रही है. तो ये सारा अभी हमारा इशू चल रहा है कनाडा के साथ. अब देखिए, अगर ये सारा कंटिन्यू रहता है तो इससे हमारे रिलेशन उस कंट्री के साथ क्या होते हैं, खराब होते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका देखिए पॉलिटिकली भी पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी पड़ता है और हमारा जो इकोनॉमिक लेवल पर जो हमारा रिलेशन होता है उस पर भी यहाँ पर क्या होता है, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स
क्रिएट होती हैं. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ. सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस विमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा, पीएम कॉल्स फॉर अ कंसेंसस. अब देखिए 19 सितंबर को यहाँ पर हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं. अब जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है उसको अब हम क्या कहेंगे, संविधान सदन के नाम से बुलाएंगे. ऐसा मतलब कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो हमारी अब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसे हम क्या कहेंगे, संविधान सदन कहेंगे. अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में मूव होते ही एक आपका हिस्टोरिक मूव आप कह सकते हैं, है ना, बहुत हिस्टोरिक मूव कि हम अब क्या लेकर आ रहे हैं, विमेंस कोटा बिल, जो विमेंस का रिजर्वेशन बिल है उसे लेकर आया जा रहा है, जिसके चलते विमेन को यहाँ पर लोकसभा, आपकी जो स्टेट असेंबली है और लोकसभा है वहां पर क्या होगा, 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो आप लोग ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पर किसका नाम आ रहा है, विमेन का, किसका, विमेन को, कि मतलब कि जो महिलाएं हैं उन्हें लोकसभा और आपकी जो स्टेट जनरल असेंबलीज हैं वहां पर 33% क्या होगा आपका, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा. आपका वो जो कास्ट बेस वाला रिजर्वेशन है वो अलग से मिलेगा ही मिलेगा, एससी एसटी वाला रिजर्वेशन यहाँ पर जो अलग से मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ यहाँ पर 33% जो रिजर्वेशन है ना लोकसभा और स्टेट असेंबली में, वो विमेन को प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा. ठीक है, अभी ये बिल आया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल में अपनी मतलब कि लोगों की जो भी लोग हैं आपकी जो मेंबर्स हैं उनसे यहाँ पर कंसेंसस मांगा है. अब देखिए इस बिल के बारे में हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल. आप देखेंगे द यूनियन कैबिनेट हेड लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द विमेंस रिजर्वेशन द कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल 2008. ये बिल अगर हम देखें तो हमारा 108 अमेंडमेंट बिल होता है. देखिए अभी बिल है 2008 में, एक्ट नहीं बना है, ये आप लोगों को याद रखना है. ठीक है, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली. तो 2008 में आपका 108 अमेंडमेंट बिल आता है जो ये कहता है कि पार्लियामेंट में और आपकी स्टेट असेंबलीज में वेमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा. अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस रिजर्वेशन बिल को अप्रूव किया गया है. अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं कि ये रिजर्वेशन की बात आती कहां से है, तो देखिए द डिस्कोर्स ऑन विमेन्स रिजर्वेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1955 व्हेन गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी रिकमेंडेड दैट 10% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज शुड बी रिजर्व फॉर विमेन. 1955 में क्या होता है कि आपकी जो कमिटी होती है, एक गवर्नमेंट एक कमिटी अपॉइंट करती है और ये कहती है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में हम 10% जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व करके रखेंगे, विमेन्स के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखेंगे. बट 1980s में ये जो विमेन रिजर्वेशन की डिमांड होती है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ती है. इसके चलते आपका क्या होता है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन 1988 आता है और वो ये रिकमेंड करता है कि 30% ऑफ सीट्स इन ऑल इलेक्टेड बॉडीज शुड बी रिजर्व फॉर विमेन. तो यहां पर ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आता है फॉर विमेन 1988 वो ये रिकमेंड करता है कि 30% ऑफ सीट कोई भी इलेक्टेड बॉडी है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, है ना, वहां पर 30% जो सीट्स होंगी वो किसके लिए रिजर्व होंगी, आपकी विमेन के लिए. नाउ द जर्नी ऑफ विमेन रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, विमेन यहां पर आपका रिजर्वेशन बिल आता है. ये जो बिल तो आया लेकिन कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसको फेवर नहीं कर रहे थे, तो ये बिल आपका पास नहीं हो पाया था. देखिए ये बिल आपका आ चुका है, विमेन रिजर्वेशन बिल आपका आ चुका है, बट ये पास नहीं हुआ है. ये आपका 2008 से यहां पर आपका पड़ा हुआ है बिल. प्रोविजन की बात कर लेते हैं, इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस हैं. तो 33% क्या करेगा आपका, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेन्स के लिए सीट रिजर्व करके रखेगा. उसके साथ साथ अगर कोई भी विमेन यहां पर एससी और एसटी कम्युनिटी से क्या करती है, आपकी बिलोंग करती है, तो उसका रिजर्वेशन उन्हें अलग प्रोवाइड किया जाएगा. सो रिजर्व सीट में भी अलॉटेड फॉर रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और जो भी रिजर्व सीट्स हैं वहां पर रोटेशन बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन बेसिस पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में हो, ये यहाँ पर 15 इयर्स और उसके कमेंसमेंट में अमेंडमेंट में जब तक यहाँ पर नहीं होता तब तक के लिए होगा. अब ऐसा किया क्यों जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, विमेन एम्पावरमेंट. हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, विमेन एम्पावरमेंट. अगर हम हमारी पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन में हमारा 50 और 50 का रेशियो आता है, 50 to
50, मतलब 50 आपके मेल हैं तो 50 आपकी फीमेल है। अब अगर जब पॉपुलेशन में विमेन का इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हर एक सेक्टर में विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना? होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। इसी के चलते अगर आप देखेंगे क्या इससे पहले कहीं पर जो भी आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं किसी बॉडी में विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है या नहीं? अगर किया गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस कहां पर विमेन को यहां पर इलेक्शन में आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या करता है, विमेन को पॉलिटिकली इम्पावरमेंट करने की बात करता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की बात करेंगे तो ये कहता है कि द स्टेट इज एम्पावर्ड। स्टेट के पास क्या है, ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, आपका स्पेशल प्रोविजन बना सकता है लेजिस्लेटर, आपका जो लेजिस्लेचर है, और अदरवाइज टू सिक्योर विमेन्स सोशियो पॉलिटिकल एडवांसमेंट। तो स्टेट क्या कर सकता है, विमेन्स का जो सोशियो पॉलिटिकल एडवांसमेंट है उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन लेकर आ सकता है। ओके, नाउ आर्टिकल 325 भी यहाँ पर क्या करता है, गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर बोथ सेक्सेस एंड एंटाइटल्स विमेन्स टू एंजॉय इकोनॉमिक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल राइट्स ऑन एन इक्वल फुटिंग विथ मेन। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 325 भी ये गारंटी करता है कि जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स की, तो विमेन और मेन दोनों को यहाँ पर इक्वली राइट्स क्या है, ये इंटाइटल है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा ये बिल, हमने इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बिल आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिसीज। अब आप सभी को पता है वेरियस प्लांट डिसीज होती है और कई डिसीज जो क्या होती है किसी की हेल्प के थ्रू यहाँ पर फैलती है, जैसे कि हम बर्ड्स की बात कर, सॉरी बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम बर्ड्स, डस्टिंग ब्लोइंग, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, जैसे कि हवा बह रही है, तो मान लीजिए ये एक प्लांट है और आपका ये दूसरा प्लांट है, तो इस प्लांट को मान लीजिए कोई डिसीज है, ये यहाँ पर डिसीज प्लांट है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हवा चल रही है, ठीक है, तो हवा के थ्रू भी क्या होता है, क्या ये डिसीज आपकी फैलती है, स्प्रेड होती है या नहीं? तो इस क्वेश्चन में हमें यही आंसर करना है कि जो प्लांट डिसीजेस हैं वो स्प्रेड होती हैं किसके थ्रू, है ना? सो बर्ड्स के थ्रू, डस्ट ब्लोइंग के थ्रू, रेन के थ्रू या फिर विंड ब्लोइंग के थ्रू। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, नाउ अगर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए बर्ड्स भी हेल्प करती हैं प्लांट्स की जो डिसीजेस होती हैं उसको स्प्रेड करने में। मान लीजिए ये आपका डिसीज प्लांट है, यहाँ पर एक बर्ड है, ये बर्ड यहाँ पर बैठी हुई, अब ये क्या करती है, मूव होके आपके जो मतलब कि हेल्दी प्लांट है वहां पर मूव करती है और जाती है, तो वो क्या करते हैं, इसके पास कुछ ना वायरसेस और उसके जो कुछ बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आपके वर्ड्स इसमें करेक्ट हो जाता है। डस्ट ब्लोइंग की बात करते हैं तो डस्ट ब्लोइंग भी आपका करेक्ट हो जाता है कि डस्ट के थ्रू भी क्या होता है, आपकी जो प्लांट डिसीज होती है वो यहाँ पर स्प्रेड होती है। सो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे कट हो जाता है, बिकॉज इसमें सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट है वो चीज नहीं है। अब आपके पास बचता है सी एंड डी। रेन की बात करते हैं, सो रेन ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेड प्लांट डिसीज, आपका रेन क्या करता है, ये भी हेल्प करता है प्लांट डिसीज को स्प्रेड करने में, सो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ की बात करते हैं विंड ब्लोइंग, तो विंड ब्लोइंग जो आपकी हवा चलती है वो भी क्या करती है, आपकी प्लांट डिसीजेस को स्प्रेड करने में हेल्प करती है। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 and 4। हिंदी में भी आप देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित पर विचार करें, पक्षी, धूल, उड़ने वाली धूल, बारिश और बहने वाली हवा, उपरोक्त में से कौन सा फैलता है पौधों की बीमारी, सॉरी पौधों की बीमारियों में कौन सा यहाँ पर मदद करता है, 1 और 3, 3 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4, इसमें 3 and 4 सॉरी नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आप देख सकते हैं डिसीजेस दैट अटैक द लीव्स ऑफ प्लांट आर प्राइमरली स्प्रेड बाय विंड। यहाँ पर जो लीव्स में आपकी डिसीजेस होती हैं तो मेनली वो किसके थ्रू आपकी स्प्रेड होती है, विंड्स के थ्रू होती है, बट दे कैन ऑल्सो मूव बाय नियर बाय प्लांट्स बाय टेकिंग अ राइड ऑन स्प्लैशिंग वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम रेन और इरिगेशन। और यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, है ना, तो ये जब स्प्लैश होती है, फैलती हैं, तो इसके कारण भी क्या होती है, प्लांट डिसीज यहाँ पर आपकी फैलती है, स्प्रेड होती है। अदर एजेंसीज की बात करें लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमाटोड्स, बर्ड्स, ये भी हेल्प करते हैं किसको, प्लांट्स डिसीज को स्प्रेड करने में। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी।
अब हिंदी में बात कर लीजिए, राजनीति के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी में अप्रोप्रिएट यहाँ पर होता है, कौन किसको हम ज्यादा यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। पहला क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। क्या पॉलिटिकल जो रूलर्स हैं उनकी जो टायरनी है ना, जो भी मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल रूलर्स है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट में जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है क्या हम उसे लिबर्टी कहते हैं। सेकेंड है आपका एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब कि किसी भी तरीके की आपको कोई रिस्ट्रेंट नहीं हो रहा, मतलब कि कोई आपको रोक टोक नहीं कर रहा, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, तो क्या ये आपका लिबर्टी में आता है। थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि आपका जो मन है आप वो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या ये डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी के अंदर आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या अप्रोप्रिएट ये बैठता है उसके अंदर या नहीं। लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। लास्ट स्टेटमेंट हमारी ये कहती है कि किसी एक पर्सन के पास फुल अपॉर्चुनिटी है कि वो फुली अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी का मिलना ही लिबर्टी है, क्या इसको हम लिबर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं एक बार, पहला ऑप्शन क्या है, राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ संरक्षण, संयम की अनुपस्थिति, जो कुछ भी पसंद करने का अवसर, मतलब कि आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या आप उसे लिबर्टी कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे अपनी। लास्ट वन है खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। लास्ट वन ये कह रहा है कि आप अपने आप को पूरी तरह विकसित कर सकते हैं, ठीक है, डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, तो अगर इसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो क्या आप उसे स्वतंत्रता मानते हैं या नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास कुछ तीन स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिजर्व एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। इसमें ये कह रहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हर हजार साल में वो क्या करता है, आपका 100,000 ईयर्स में वो अपने आप को रिजर्व करता रहता है ना, अपने आप को क्या करता रहता है, मतलब कि ऐसा रिवर्स करता रहता है कि मतलब अभी ऐसा था मान लीजिए अब फिर चेंज हो गया, चेंज करता रहता अपने आप को, उलटता पलटता रहता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि जब अर्थ बनी थी 4,000 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो वहां पर 54% आपकी ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड तो थी ही नहीं। तो क्या स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट, यू हैव टू टेल दिस। When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth. इसमें ये कह रहा कि जब living organisms यहाँ पर originate हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि जो earth का atmosphere है उसे modify किया। तो इसमें से कौन सी statement आपकी correct है, कौन सी incorrect, आप लोग comment section में यहाँ पर बताएंगे। Okay? हिंदी में भी आप लोग एक बार देख लीजिए, पहला क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उलट जाता है, मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम किसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की, तो हर हजारों साल में वो क्या होता है आपका उलट जाता है, पलटता रहता है, रिवर्स होता रहता है। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब पृथ्वी 4,000 मिलियन अधिक वर्ष पहले बनी गई थी तो यहाँ पर 54% ऑक्सीजन था और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारी, जब जीवों की उत्पत्ति हुई, मतलब यहाँ पे जब लिविंग बींग्स आए, जीवित जीव आए, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी पृथ्वी है उसका प्रारंभिक वातावरण था उसको संशोधित किया, मतलब कि उसको चेंज किया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए फैक्ट है पूरा, प्रीलिम्स का पूरा फैक्ट निकल कर आता है। क्या है, 3 होयशाला टेम्पल्स डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर 3 होयशाला जो टेम्पल्स हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से टेम्पल्स हैं, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा ये जो आर्टिकल है ना, ये इतना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लेंगे। इसमें पहला कौन सा है हमारा, चंडकेश्वर टेम्पल बेलूर में है, आप इस टेम्पल की पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं।
ये आपका कब कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका 1117 AD, यहाँ पर इसको कंप्लीट करने में 103 साल लगते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इसे, इसको कंप्लीट करने में, इस टेम्पल को कंप्लीट करने में 103 साल लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विशाल टेम्पल यहाँ पर होगा। ये टेम्पल किसको डेडिकेट है? आपका लॉर्ड विष्णु को, जिसको हम चेन्नकेश्वरा के नाम से बुलाते हैं। चेन्ना का मतलब यहाँ पर होता है ब्यूटिफुल और केशवा का मतलब होता है आपका विष्णु, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका होयसलेश्वरा टेम्पल, ये आपका हेलीबिडू में है। आप इस टेम्पल की पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टेम्पल है आपका क्या, हेलीबिडू इज अ मोस्ट एग्जाम्पलरी आर्किटेक्चुरल एग्जाम्पल्स ऑफ होयसालास एक्सटेंड टूडे। तो यहाँ पे जो होयसाल है उनका पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पर आपका रिजेंबल किया जाता है। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल आपको दिखाई देगा। ओके, द टेम्पल इज मोस्ट वेल नोन फॉर द मोर देन 240 वॉल स्कल्पचर्स। यहाँ पर ये जो टेम्पल है ना, इसमें 240 वॉल स्कल्पचर्स है, मतलब कि आपको ये मूर्तियां दिख रही है, तो टोटल यहाँ पर कितनी है, 240 है। इसमें अंदर भी है और बाहर भी है, आउटर और इनर वॉल दोनों में ही आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। सो हेलीबिड हैज अ वॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 3 जनास बसादी टेम्पल्स ऑफ द होयसाला पीरियड एज वेल एज द स्टंट वेब। थर्ड वन है आपका केशवा टेम्पल। केशवा टेम्पल कहाँ पर, आपका सोमनाथपुरम में है। ये आपका यहाँ पर केशवा टेम्पल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो ये टेम्पल एक ही मोस्ट सिग्निफिकेंट है आपका होयसाला मूवमेंट का, पर द लास्ट दिस इज ब्रेथ टेकिंग ब्यूटिफुल त्रिकूट टेम्पल। ये आपका त्रिकूटा टेम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिकूट इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा हूँ, तीन कुंड इस तरीके से। सो ये आपका किसको डेडिकेटेड टेम्पल, लॉर्ड कृष्णा को इन द थ्री फॉर्म्स, मतलब लॉर्ड कृष्णा के आपके तीन फॉर्म्स होते हैं, जनार्दना, केशव और वेणुगोपाल। तो ये तीन जो आपके त्रिकुंड है, इसलिए हम इसको त्रिकूटा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका किसको डेडिकेट है, आपका लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पर डेडिकेट है। अनफॉर्चुनेटली द मेन केशवा आइडल इज मिसिंग। यहाँ पर मतलब कि अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ की जो मेन केशवा आइडल है, मूर्ति है, वो अभी भी मिसिंग है। जनार्दना एंड वेणुगोपाल आइडल्स आर डैमेज्ड, और जो आपके जनार्दना और वेणुगोपाल आइडल्स हैं वो कैसे हैं, अभी डैमेज्ड हैं। ओके, सो ये तीन टेम्पल्स हैं। अब और भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये टेम्पल्स है, इसमें जो मतलब कि मटेरियल यूज किया गया है, तो किस तरीके का जो आपका स्टोन है उसमें क्या गया, आपका कार्विंग की गई है, क्रैविंग हुई आपकी, ठीक है। तो देखिए, द मटेरियल यूज इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज क्लोरस सिस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज सोप स्टोन। तो यहाँ पर जो आपके टेम्पल्स में आपके स्टोन्स हैं उनका नाम क्या है, सोप स्टोन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर टेम्पल की बात करते हैं तो द हॉरिजेंटल फ्रीजेस एंड मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर्स आर साइंड बाई आर्टिस्ट। यहाँ पर जो आपके बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, जो भी स्कल्पचर्स जो जिस भी आपके आर्टिस्ट ने बनाया है, उन्होंने उसमें क्या किया, अपना साइन किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मतलब चीज हमें देखने को मिलती है हमारी इंडियन आर्ट में और हमारी इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। नेक्स्ट वन और भी हम देख लेते हैं, किसके बारे में, होयसाला आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये आपका कब बिल्ड होता है, आपका 11th से 14th सेंचुरी के बीच में होयसाला आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ पर डेवलप्ड होता है। मोस्टली ये कहाँ कंसंट्रेटेड है, आपका सदर्न कर्नाटका में। कहाँ, सदर्न कर्नाटका में। तो होयसाला टेम्पल की बात करते हैं तो इसमें आपको एक हाइब्रिड फॉर्म देखने को मिलता है। इसमें आपका जो द्रविड़ा और नागर स्टाइल है, दोनों का यहाँ पर आपको मिक्सचर दिखाई देता है। द्रविड़ और नागर स्टाइल की अगर बात करते हैं, जब आप साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, ये सदर्न इंडिया में जाएंगे, तो वहां पर जो टेम्पल का स्टाइल होता है उसे हम द्रविड़ा स्टाइल बोलते हैं। और जब आप नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करते हैं तो वहां का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, टेम्पल स्टाइल है, वो नागरा स्टाइल उसे कहा जाता है। बट यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है इस आर्किटेक्ट में, वो होयसाला आर्किटेक्ट में, इन दोनों का आपको हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलता है। ओके, द होयसाला टेम्पल हैव बेसिक द्रविड़ियन मॉर्फोलॉजी बट शो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ भूमिजा, मोर वाइडली यूज इन सेंट्रल इंडिया, द नागर ट्रेडिशन ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एंड द करताता द्रविड़ा मोड्स फेवर्ड बाय कल्याणी चालुक्यास। तो यहाँ पर आपको सारी चीजों का क्या मिलता है, एक तरीके से मिक्सचर देखने को मिलता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले हमने अभी डिस्कस किया था, परसों या नरसों, कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन को भी यहाँ पर क्या हुआ है, आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है।
नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ. सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द मंत्रास दैट पावर्ड सक्सेस एट द G20 समिट. अब यहाँ पर G20 की समिट में ये कहा जा रहा है कि देखिए फिर से ये G20 आया तो यहाँ पर G20 समिट हमारा सक्सेस क्या रहा है, इसके पीछे का मंत्र क्या है, है ना. तो मंत्र हमारा क्या है, आपका जो मिडिल वे है ये हमारा सबसे बड़ा मंत्र रहा. G20 समिट का सक्सेस होना ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही. सक्सेसफुल होने का हमारा मतलब मेन मतलब होता है कि जैसे कोई भी समिट होती है, कोई भी आपका समिट की हम बात कर रहे हैं, उस समिट में जितने भी लोग हैं वहां पर जितने भी लोग हैं सबके क्या होना चाहिए, एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए. फाइनल आपका जो डिक्लेरेशन आता है, फाइनल जो डॉक्यूमेंट होता है उस चीज को लेकर कि हमने अब तक ये सारी बातचीत करी, अब जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं क्या वो इस चीज से एग्री करते हैं, क्या वहां पर ये टारगेट करते हैं. मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए क्लाइमेट चेंज का, ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम क्लाइमेट चेंज में क्या करेंगे, एक्शन लेंगे. मान लीजिए यहाँ पर टोटल 20 कंट्रीज हैं, अब ये कहा गया कि क्लाइमेट चेंज के लिए आपको ये स्टेप्स उठाने हैं और ये काम करने हैं. मान लीजिए एक काम करना है आपको यहाँ पर, मान लीजिए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना है, ये सारी चीजें हमें करनी है. तो क्या 20 की 20 कंट्रीज इस चीज से एग्री हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? अगर एग्री हो रही हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है. अब हम हमारे डॉक्यूमेंट में क्या लिख रहे हैं, एग्री करवा रहे हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी क्या क्या कंसर्न्स हैं, उनके स्टेट में कैसी क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो यहां पर एक्शन लेंगी. तो यही होता है कि इंडिया में जो इंडिया का दिल्ली डिक्लेरेशन यहां पर साइन हुआ है, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ये हमारे लिए सबसे, क्योंकि लास्ट ईयर हम देखेंगे बाली में जो समिट हुआ था तो उसमें चाइना और रशिया जो आपका डिक्लेरेशन था उससे यहां पर सहमत नहीं थे. मतलब आपके जो आप ऐसा कह सकते हैं कि रशियन जो लीडर्स थे वो वहां से उठकर ही चले गए थे. तो कंसेंसस बिल्ड होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप G20 की बात करेंगे तो G20 में आपको पूरे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक देखने को मिलता है और G7 जो आपका वेस्टर्न ब्लॉक है वो भी यहां पर देखने को मिलता है. तो इन दो कंफ्लिक्टिंग बॉडीज के बीच में किस तरीके से आप एक मिडिल पाथ लेकर आए, तो इसी को यहां पर क्या किया गया, प्रेस किया गया कि इंडिया का जो ये डिप्लोमेसी है बहुत ही आपका अपॉलिड है, मतलब कि इसकी तारीफ करने लायक है, प्रिंसिपल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं. देखिए अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, हम किसकी बात करते हैं, साउथ इंडिया की, जो आपका अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन है जिसमें आपके टोटल 55 नेशंस यहां पर आते हैं. तो इंडिया किसकी बात करता है, ग्लोबल साउथ लीडर बनने की बात करता है. तो इसमें सिर्फ आपका जो G20 उसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका क्या पूरे अफ्रीका को यहां पर प्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं, यहां पर सारे नेशंस को आना होगा. तो हम ये जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल साउथ की जो इंटरेस्ट है, कंसर्न्स है, उन्हें यहां पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो इसमें यही सारी चीजें कही गई हैं कि G20 का ये जो डिक्लेरेशन साइन होना, जो डिफरेंट कंफ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कंसेंसस बनाना, एक ये जो हमारी मिडिल वे है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिडिल वे की, तो ये हमारे लिए क्या रहा है, सबसे ज्यादा हमारे हेल्पफुल रहा है, जिसमें हमने क्या किया है, G20 समिट हमारा सक्सेसफुल रहा है. ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट. अब आपका क्या है, आप सभी को पता है कि कावेरी वाटर यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है किसके बीच में, कर्नाटक और केरल के बीच में. कर्नाटका यहाँ पर देखिए, हम पहले मैप देखते हैं कावेरी रिवर का तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. ये कर्नाटका से स्टार्ट होती है आपकी रिवर और फिर कहाँ जाती है, आपकी तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में और केरल में ये पूरा होता है. अब यहाँ पर एक्चुअली ये हो रहा है, कर्नाटका से ये रिवर स्टार्ट हुई, तमिलनाडु में गई, फिर केरल में गई. अब मेनली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही किसके बीच में, कावेरी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो कावेरी रिवर को हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं और गंगा ऑफ दी साउथ के नाम से इसे हम जानते हैं. तमिल में इसे पोनी रिवर भी कहा जाता है, गंगा ऑफ दी साउथ, और ये आपकी फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया में. अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों चल रहा है, डिस्प्यूट की बात करते हैं, मेनली डिस्प्यूट जो है आपका कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है. किसके बीच में है आपका, ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में. ये जो डिस्प्यूट है वो आज का डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का डिस्प्यूट है. क्या है आपका, ये इंडिपेंडेंस से पहले अगर आप देखेंगे तो ये डिस्प्यूट आपका यहाँ पर चल रहा है.
इस डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेनली डिस्प्यूट है आपका 1924 की अगर हम बात करते हैं, जब आपका मद्रास और यहाँ पर मैसूर स्टेट था, तब से ये डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक 1924 में पहले एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद इंडिपेंडेंस हो जाता मिलता है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होती हैं। फिर आपका 1974 में यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, उसी के चलते फिर यहाँ पर आपका क्या बनता है, एक 1974 में यहाँ पे कंसेंसस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये मूव करता जाता है, ये आपका जो डिस्प्यूट होता है वो रिजॉल्व नहीं होता है। एक्चुअली जो वाटर का एलोकेशन होता है कि किस स्टेट को कितना वाटर मिलना चाहिए, अब कर्नाटका क्या हो जाता है, आपका अपर राइपेरियन स्टेट हो जाता है, और तमिलनाडु यहाँ पर लोअर राइपेरियन स्टेट हो जाता है। अब वाटर फ्लो होकर कहाँ जा रहा है, यहाँ पर कर्नाटक से तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में। तो ये कर्नाटक ने क्या किया, कई बार उसको अपने इरिगेशन पर्पस के लिए, किसी भी मतलब कि आपके जो पर्सनल मोटिव्स हैं, उन्होंने वाटर को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो तमिलनाडु ने ये कहा कि आपने वाटर को डाइवर्ट तो किया, तो इससे क्या हुआ है, पहली बात तो आपने यहाँ पर हमसे कोई भी सहमति नहीं ली, है ना, हमसे यहाँ पे बातचीत नहीं की, हमसे कोई भी पूछताछ नहीं की। ये आपको करना चाहिए क्योंकि हम क्या है, एक लोअर राइपेरियन स्टेट है, हम टोटली इस रिवर के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो आपको यहाँ पर हमारी मतलब की सहमति लेनी चाहिए थी, हमारे भी यहाँ पर एडवाइस लेनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। तमिलनाडु कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। किसको, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। लेकिन ये जो अथॉरिटी है अभी भी क्या करती है, डिसीजन कोई भी, इन्होंने अब तक कोई भी इफेक्टिव डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसको यहाँ पर आप एक्ट करना होगा। यहाँ पर ये जो देखिए, ये जो इशू है आपका, जो रिवर्स के बीच में रिसोर्सेस को लेकर इशू होता है, वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि रिवर यहाँ पर स्टेट की बाउंड्री नहीं देखती है कि वो किस स्टेट से होकर यहाँ पर गुजर रही है, जा रही है। तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं आपके बने ही रहेंगे। तो इसी के चलते आप देखेंगे आपका क्या आ जाता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या किया गया, मेंशन किया गया है। आपका जो एंट्री 7 है स्टेट लिस्ट की, तो ये यहाँ पर किससे डील करता है, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, वाटर स्टोरेज एंड हाइड्रो पावर। एंट्री 7 की बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, तो ये यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर करता है फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैली टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर जितने भी आपके इंटरस्टेट रिवर्स हैं, रिवर वैलीज हैं, तो वहां पर कैसे रेगुलेशन होना है, डेवलपमेंट होना है। आर्टिकल 262 ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपके दो क्लॉज हैं। पहला ही क्या कहता है आपका आर्टिकल 262 क्लॉज 1 कि पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज। तो यहाँ पर किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, क्या सारी चीजें हैं, तो इसके लिए कौन लॉ प्रोवाइड करेगा, आपका पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा। आपका सेकंड क्लॉज ये कहता है कि यहाँ पर ना तो सुप्रीम कोर्ट और कोई भी अदर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से कोई भी रिलेशन आता है। और इसी के चलते आर्टिकल 262 यहाँ पर दो इनेक्टमेंट की बात करता है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 की, कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बोर्ड्स को एस्टैब्लिश करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट टू द डेट आज के टाइम तक यहाँ पर कोई भी रिवर बोर्ड को क्रिएट नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका फिर आता है इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है, मतलब कि सेंटर, मतलब ये है कि स्टेट्स क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो सेंटर को अप्रोच कर सकता है टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रिब्यूनल, मतलब कि ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई इशू आ रहा है, ठीक है, अब जैसे कि ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट इशू है, तो इसके लिए यहाँ पर इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। आपके बहुत सारे जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, तो बहुत सारे रिवर्स के बीच में आपका यहाँ पर डिस्प्यूट अभी भी अराइजेस है। तो कावेरी रिवर के बारे में और देख लेते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो हरांगी, हेमावती, शमशा एंड अर्कावती, तो ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक की बात करते हैं तो लक्ष्मण, त्री रहता, कंबानी, सुवर्णवती, भाविनी, नोएली, अमरावती, तो ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आज का सेंटर फ्लोट्स न्यू साइंस अवार्ड। अब देखिए
ये अभी न्यूज कहाँ से कैसी आई है हमें नहीं पता, बट द हिंदू में है तो इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इसमें ये कहा जा रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट अभी पूरा पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है कि सेंटर ऐसा कुछ करने जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि सेंटर क्या करने वाली है, न्यू साइंस अवार्ड्स को लेकर आने वाली है। तो आप देखेंगे न्यू साइंस अवार्ड की बात करते हैं, इसमें तीन आपके होंगे कंप्राइज करेंगे, पहला क्या होगा आपका विज्ञान रत्न, दूसरा है आपका ज्ञानश्री और तीसरा है आपका विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। तो ये तीन आपके विज्ञान टीम अवार्ड है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आपके अवार्ड है, विज्ञान रत्न, विज्ञानश्री और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। तो ये तीन अवार्ड आपको दिए जाएंगे, इसमें टोटल 56 प्राइजेस यहाँ पे फैसिलिटेट जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपके जो इनोवेटर्स हैं उनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। अब आप सभी को पता है कि जैसे कि हमने अभी बात करी थी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की, तो यहाँ पर एक साल डिले करके इस अवार्ड के जितने भी आपके जो अवार्डीज थे उनका नाम यहाँ पर अनाउंस किया गया है, इसमें टोटल एक साल का डिले हुआ है। ये जो तीन अवार्ड अभी न्यूली अनाउंस होने वाले हैं, अभी ये अनाउंस नहीं हुए, पब्लिकली नहीं आए हैं, बट इसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इसमें अवार्ड दिया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको और मेडल प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें कोई भी आपका कैश प्राइज नहीं होगा जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में होता है। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये आपका CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा 1958 से इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो भी विनर होता है उसको 5,00,000 रुपए दिया जाता है और उसके साथ साथ जो उसकी सैलरीज हैं उसमें भी यहाँ पे सैलरी पर मतलब कि उसमें बढ़ावा किया जाता है और उसके साथ ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल अभी क्लियर होगा। तो इसमें देखिए तीन आपके अवार्ड आ जाते हैं, कौन कौन से, विज्ञान रत्न, 25 विज्ञानश्री और 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, तो ये यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट ये है कि एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड, द विनर विल बी अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन 11 मई विच इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में बनाते हैं, ये आपका 2024 से स्टार्ट किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और हर साल 11 मई को इसके जो भी विनर्स होंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो आपका नेक्स्ट है WHO रिलीजेस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हाई बीपी। तो ये जो आपका हाइपरटेंशन है, हाई बीपी, इसके चलते WHO ने क्या किया, एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की है। इस रिपोर्ट का नाम है हाई ब्लड प्रेशर ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये आपकी पहली बार रिपोर्ट रिलीज की गई है WHO के द्वारा। इन्होंने ये बताया कि हाइपरटेंशन के कारण आपकी ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर आपके लिए जनरेट कर रहे हैं, किसके लिए, डेथ और डिसेबिलिटी इन इंडिया। सो हाइपरटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया। इवन लेसन के यहाँ पर रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया की जो रिपोर्ट आती है उसके द्वारा भी ये यहाँ पर बताए गए हैं। हमारे यहाँ 1/4 जो लोग हैं इंडिया में हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं, या तो उनमें ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है। आप ये परसेंटेज देखेंगे तो ये पहले आपका 1917% था हाइपरटेंशन की बात करते हैं, अब ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, मेन में 24% एंड विमेन में 21% यहाँ पर ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो इंडिया में यहाँ पे इनिशिएट करना होगा, कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, ये एक लार्ज इंटरवेंशन है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, इसको लार्ज स्केल पर लिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, जो आपका हाइपरटेंशन है उसे कंट्रोल करना है, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में इसे इंक्लूड किया गया है। हम अगर कॉमन उसकी बात करते हैं, कंसल्ट कंडीशन की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन से क्या क्या हो सकता है, तो हाइपरटेंशन से आपके जो हार्ट अटैक होता है, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, और भी आपको जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है बट दे डोंट नो अबाउट दिस, है ना, कि उन्हें हाइपरटेंशन ये जो सारी जो प्रॉब्लम है। सो ये कहा जा रहा है कि 1.3 बिलियन पीपल्स में से सब 650 मिलियन पीपल हैं, नियरली हाफ ऑफ दी जो हमारी ग्लोबली पीपल है वो हाइपरटेंशन से यहाँ पर क्या है, अनअवेयर है, मतलब कि हाइपरटेंशन की जो कंडीशन होती है उससे यहाँ पर वो अवेयर ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है, और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन लेनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, हाइपरटेंशन को मतलब कि बीट कर सकें। इसका यहाँ पर तरीका क्या है कि हम किस तरीके से हाइपरटेंशन को बीट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी डाइट है उसको चेंज करना होगा, हमें हेल्दियर डाइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करना होगा, हम जो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का
कंजप्शन करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। कुछ लोग यहाँ पे टबाको का बहुत ज़्यादा, जो आपका तंबाकू होता है उसको छोड़ना होगा, इसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और हमें यहाँ पर हर एक काम में और ज़्यादा एक्टिव होना होगा, क्योंकि तभी जो फिजिकल एक्सरसाइज है इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में। इससे हम क्या कर सकते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम किया जा सकता है। और अगर आपका जो ये थोड़ा सा बढ़ चुका है तो यहाँ पर प्रिवेंटिव लेना होगा, डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, और जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही, मेडिकेशन आपका हो रहा है तो उसे आप कंटिन्यूसली यहाँ पर लें। ओके, सो हाइपरटेंशन कैन बी कंट्रोल इफेक्टिवली विद अ सिंपल लो कॉस्ट मेडिकेशन रीजन। हाइपरटेंशन को यहाँ पर इफेक्टिवली हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में और सिंपल वे में, बट इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट और आपके फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन, आदित्य L1 हेडेड टूवर्स लैग्रेंज पॉइंट वन। आपका जो आदित्य L1 मिशन है सेप्टेम्बर 2 को इसे लॉन्च किया गया था आपका PSLV के द्वारा श्रीहरिकोटा से, फिर धीरे धीरे इसकी फर्स्ट मैन्यूवरिंग होती है सेप्टेम्बर 3 को, फिर सेप्टेम्बर 5 को, सेप्टेम्बर 10 को एंड सेप्टेम्बर 15 को यहाँ पर फोर्थ मैन्यूवरिंग होती है, मैन्यूवर मतलब कि उसको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ये धीरे धीरे कहाँ पहुँचने वाला है, आपका जो लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पर पहुँचने वाला है आपका L1 पॉइंट। तो यहाँ पर देखेंगे L1 लाइज ऑन द सन अर्थ लाइन अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस। ठीक है, अर्थ और सन के बीच का ये जो 1% यहाँ पर डिस्टेंस है, तो ये आपका अर्थ हुआ और ये पार्ट मून हो गया। यहाँ पर है आपका आदित्य L1, यहाँ पर हम आदित्य को जो हमारा सैटेलाइट उसको प्लेस किया जाएगा। ठीक है, जो आपका स्पेस क्राफ्ट है, सॉरी नॉट सैटेलाइट। व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर जब टू बॉडीज का ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या हो जाता है आपका इक्वल हो जाता है, है ना। फॉर अ टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम द लैग्रेंज पॉइंट आर लोकेशन इन अ स्पेस वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टे इफ प्लेस देयर। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, वहां से मूव नहीं करेगा। तो टोटल यहाँ पे अर्थ और सन के बीच में टोटल 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, सच पॉइंट्स हैं, जिसको हम लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये यहाँ पर, चौथा ये और ये पांचवा ये। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, हमारे न्यूज और आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी की, कि आप किस चीज को यहाँ पर एक डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी में अप्रोप्रिएट मानेंगे और उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए, रूलर्स की टाइटनी से यहाँ पर हमें प्रोडक्शन मिलना, ये आपका क्या लग रहा है सही होगा, लिबर्टी के डेफिनेशन में आपका आएगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं कि लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी होती है कि जैसे कि आप थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स। अगर सबके पास ऐसा ही हो जाए कि हमारे पास हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे, तो क्या आपको लिबर्टी में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मेरा इस पर्सन का मर्डर करने का मन है, तो क्या मैं उस पर्सन को मर्डर कर दूं, तो उसकी लिबर्टी के तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी लिबर्टी का तो वॉल्यूशन हो रहा है ना, कि वो तो अभी जिंदा रहना चाहता है और कुछ भी करना चाहता है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, और ये आपका राइट ऑप्शन होता है डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली, अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को पूरी तरह विकसित करने का जो अधिकार होता है, अपॉर्चुनिटी जो हमें अवसर मिलता है, उसे हम डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी में रखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसे हम कहते हैं क्या, लिबर्टी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, सो मेक श्योर कल का वीडियो देखना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएगा, एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।